हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू और शिमला मिर्च की सूखी सब्जी। इसको बनाने के लिए हमने दो मीडियम साइज आलू धोकर के कुछ इस तरीके से कट कर लिया है और दो शिमला मिर्च कुछ इस तरीके से कट कर लिया है और एक टमाटर भी। आप चाहें तो इस सब्जी को किसी और शेप में भी काट सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। इसके लिए हम गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ा दिए हैं। कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाएगी तब हम इसमें ऑयल डालेंगे। तो ये देखिए कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गई है, अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। हम इसमें सरसों का तेल डाल रहे हैं, आप चाहे तो किसी भी तेल में बना सकते हैं। तो ये देखिए तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसमें आधा चम्मच जीरा डालेंगे और एक बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस को हम लो फ्लेम पे ही रखे रहेंगे। तो प्याज के साथ साथ हम आलू को भी फ्राई कर लेंगे। प्याज के साथ ही हम फ्राई करेंगे तो आलू को हमको अलग से फ्राई नहीं करना पड़ेगा। इसको एक से दो मिनट तक ढक के फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए एक से दो मिनट हो गए हैं, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए आलू अच्छे से फ्राई हो गए हैं। गैस को अभी हम लो पे ही रहने देंगे और अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच धनिया पाउडर। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम मसाला के साथ ही साथ हम टमाटर भी इसमें ऐड कर लेंगे। इसके साथ ऐड करने से मसाला जलता नहीं है। तो दो से तीन मिनट तक हम इसको ढक के पका लेंगे ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए दो से तीन मिनट हो गए हैं, अब हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें नमक अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें जो बारीक कटी हुई शिमला मिर्च रखे थे इसमें ऐड कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको इस तरह से डालने से बहुत ही अच्छा होता है। और अब हम इसमें दो बारीक कटी हुई इस तरह से हरी मिर्च डाल देंगे। अगर आपको तीखा पसंद हो तो ही डालें, हमको तीखा बहुत पसंद है। और अब हम इसमें थोड़ी सी धनिया की पत्ती ऐड कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे 7 से 8 मिनट तक ढक करके लो फ्लेम पे पकाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, आइए एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स अच्छे से पक चुके हैं, एक बार चेक कर लेते हैं आलू को। तो ये देखिए पक चुके हैं एकदम। तो फ्रेंड्स इसकी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी होती है,
अब हम आपको एक सर्विंग प्लेट पे सर्व करके दिखाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम इसको एक सर्विंग प्लेट पे सर्व कर लिए हैं। आप इसको रोटी के साथ, पराठा के साथ, चपाती के साथ या चावल के साथ, किसी के भी साथ खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। इसकी सूखी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी और यमी होती है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।